सब्सक्राइब कीजिए लर्न बेसिक्स को और बेल आइकन को दबाइए कुछ नया सीखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी टेक्स्ट को स्मॉल कैप्स में कैसे बदलते हैं या किसी टेक्स्ट पर स्मॉल कैप्स कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर बेसिक से लेकर एडवांस तक के वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अच्छा, अप्लाई करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि स्मॉल कैप्स होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर जितने भी टेक्स्ट आपको दिख रहे हैं, ठीक है, जहां तक भी हम उसको सेलेक्ट करेंगे, मतलब उस ऑप्शन को इस्तेमाल करने के लिए जहां तक भी इसको सेलेक्ट करेंगे, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले जितने भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किए हुए हैं सबको ये कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन जो पहला टेक्स्ट होगा, जैसे कि यहां पर वी है, उसका साइज थोड़ा सा बड़ा रहेगा और बाकी सबका साइज थोड़ा सा छोटा रहेगा वी के कंपैरिजन में। ठीक है, अभी जब यूज करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं, मतलब जहां तक के टेक्स्ट पर आप स्मॉल कैप्स अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने यहां से लेकर यहां तक सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमको जाना है ऊपर के रिबन में होम टैब पे। ये रहा होम टैब। होम टैब पे जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। आपको चलना राइट साइड में और जाना है फॉन्ट वाले कॉलम में। ये देखिए, ये रहा फॉन्ट वाला कॉलम। इसके बगल में देखिए छोटा सा एरो आपको दिख रहा है, ठीक है, इस पर क्लिक करना है तो देखिए फॉन्ट का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये आप कंट्रोल डी बटन अपने कीबोर्ड में प्रेस करके भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमको जाना है यहां पर इफेक्ट। ये रहा इफेक्ट और ये देखिए, ये है स्मॉल कैप्स का ऑप्शन। ठीक है, तो यहां पर चेक मार्क लगाइए और नीचे पे ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए कि स्मॉल कैप्स यहाँ पर अप्लाई हो गया। अब आप देख सकते हैं कि वी का साइज थोड़ा सा बड़ा, यानी कि जो पहला टेक्स्ट है उसका साइज थोड़ा सा बड़ा है, उसके कंपैरिजन में बाकी जितने भी टेक्स्ट हैं उन सबका साइज थोड़ा सा छोटा है। ठीक है,